नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगरा विश्वविद्यालय का वेब रजिस्ट्रेशन कैसे करें। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वेब रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता होगी। तो आप वेब रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप देख पाएंगे हर रोज़ एक नई वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के गूगल क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है और यहाँ आपको डाल लेना है dbrau.org.in, आगरा विश्वविद्यालय की होम ऑफिशियल वेबसाइट आप डाल देंगे। इसके बाद आपको सबसे पहले नीचे आ जाना है और यहाँ आपको एडमिशन वाला कॉलम दिखाई देगा, इसमें एडमिशन पे आपको क्लिक कर लेना है। और एडमिशन पे क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा, एडमिशन 2021-22 क्लिक हर फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस तरह से आप नीचे आ जाएंगे, क्लिक हर टू कंटिन्यू, इस पर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन UG, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से आपको पूरी जानकारी फिल करनी है। तो स्टूडेंट का नेम जो आपके सर्टिफिकेट में है, आपको सिर्फ वही नाम फिल करना है यहाँ पे। तो देखिए, मैं यहाँ पे नाम फिल कर देता हूँ। फादर्स नेम डालना है आपको, मदर्स नेम, स्पेलिंग लिखिए, और यहाँ इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर लेनी है। और आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डालनी है आपको, और आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का आधार नंबर डालना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी डाल देनी है किस कास्ट से हैं, और आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस फिल करना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। आरोग्य सेतु ऐप यस या नो आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। पेरेंट्स मोबाइल नंबर भी डाल देना है आपको, या आपके पास नंबर नहीं है तो सेम नंबर को भी आप रख सकते हैं। EWS है या नहीं, आपने वैक्सीन लगवाया है या नहीं, उस पर भी आपको टिक कर लेना है। और देखिए, 10th मार्कशीट अपलोड सर्टिफिकेट PDF में अपलोड करना है, जो कि 50 KB का होना चाहिए। तो देखिए, मैंने PDF में KB कन्वर्ट कर ली है, अपनी मार्कशीट स्कैन कर ली है। तो ये देखिए, मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद फ़ोटो जो कि 50 KB में होना चाहिए, इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैप्चर है, इसको यहाँ भर देते हैं। तो फ्रेंड्स, भरने से पहले एक बार आप पूरा फॉर्म जो भरा है आपको इसमें एक बार फिर से चेक कर लेना है कि कहीं आप कोई मिस्टेक ना कर दें। इसके बाद आपको क्या करना है, कैप्चर डालने के बाद आई कन्फर्म डेट रजिस्टर्ड कर लेना है। देखिए, आर यू श्योर ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाई इज करेक्ट, आपको ओके कर देना है। ये देखिए, सबमिट करने के बाद हमारा फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन, इसे ओपन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखिए, ये हमारा फॉर्म जो हमने फिल करा था वो शो हो रहा है। इसके बाद आपको क्लिक कर फॉर डैशबोर्ड पर जाना है। इसके बाद हमको करना है पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो हमको फ़ीस सबमिट करनी है। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। आर यू श्योर, करना है।
यू आर रिडायरेक्ट, ये देखिए पेमेंट का ऑप्शन पूछ रहा है आपको किस तरह से पेमेंट करना है। तो देखिए हम नेट बैंकिंग से कर लेते हैं। अब नेट बैंकिंग किसकी है ये आपको यहाँ डाल देनी है। एडवांस सेफ्टी करने के बाद प्रोसीड टू मर्चेंट कर लेनी है। ये देखिए यहाँ आपको अपना SBI लॉगिन अकाउंट जो है आपकी वो डालनी है। और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कंफर्म। और ये देखिए यू हैव नॉट परफॉर्म्ड, तो ये देखिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी, वो आपको यहाँ डाल देनी है। और कंफर्म कर देनी है आपको। तो ये देखिए फीस कट रही है। ये देखिए पेमेंट वाज सक्सेसफुल। अभी देखिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे, अपने आप सबमिट होगा। ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन योर पेमेंट ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। 5 सेकंड आपको वेट करना है। अब आपको यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लॉगिन कर लेना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है और आपको लॉगिन हो जाना है। तो ये देखिए हमारी फ़ीस सबमिट हो चुकी है। इसके बाद फिल फॉरम, आपको तीसरे वाले कॉलम पे जाना है। यहाँ आपको कोर्स लेवल अंडर ग्रेजुएट करना है। इसके बाद हमने जो फॉर्म भरा था वो पूरा यहाँ पे शो हो रहा है। देवेंद्र गुप्ता, निरंजन लाल गुप्ता, मदर नेम। ये देखिए यहाँ आपको रेंज मतलब आप किस का जाति से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ सबमिट करनी है। और ये देखिए पेरेंट्स की इनकम, तो ये देखिए बिलो 1 लाख इस पर आपको क्लिक कर देना है। 1 लाख से कम। इसके बाद नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और ये देखिए डेट ऑफ बर्थ, हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले भर दी थी वो यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद आपको आ जाना है नीचे। तो यहाँ देखिए आपको अपना 10th पासिंग भरना है और बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, तो आप किस बोर्ड से 10th किया है वो डाल देनी है आपको यहाँ पे। और ये देखिए पासिंग ईयर आपको 10th की डालनी है। रोल नंबर डाल देना है आपको 10th का। मार्क्स ऑप्टेन कितने मार्क्स में से है। टोटल मार्क्स कितने आए हैं, तो ये देखिए आपको लिखना है। तो ये देखिए 600 में से है ये भर देते हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स और यहाँ पे आपको परसेंटेज निकाल के परसेंटेज भर देनी है। इसी तरह से आपको 12th का भर लेना है। 12th आपने किस सब्जेक्ट से की है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। साइंस मैथ जिससे भी आपने की है पासिंग ईयर डाल देना है। और यहाँ आपको रोल नंबर डाल देना है 12th का। और आपको अपने जो आपको नंबर मिले हैं वो नंबर डाल देने हैं, वो कितने में से हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। देखिए इसकी भी परसेंटेज आपकी शो हो गई है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये पूरा आपको देखने को मिल जाएगा।
ये कहाँ है? तो यहाँ आप इसे जीरो भी भर सकते हैं। इसके बाद आपको आई कंफर्म करने के बाद कैप्चर डालने के बाद सेव करना है। तो ये देखिए, अब इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पे। यहाँ देखिए, आपको प्रवेश लेना चाहते हैं विश्वविद्यालय परिसर यूनिवर्सिटी के कैंपस में या संबद्धता प्राप्त कॉलेज, मतलब किस कॉलेज से अप्लाइड है वहाँ से, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और देखिए, आपको किस में एडमिशन लेना है ये आपको यहाँ पे भर लेना है। जैसे कि हमको बीकॉम में लेना है तो हम बीकॉम भर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ऐड एंड टेक प्रिंट, तो ये देखिए, ये हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसके बाद हम अभी आगे का और प्रोसेस आपको बता देते हैं। तो पहले हम इसका प्रिंट निकाल लेंगे, इसका हमने प्रिंट आउट निकाल लिया है। इसके बाद हम वापस अपने पेज पर चले जाएंगे और स्टैम्प सीट स्टेटस, यहाँ आपको देखिए सीट स्टेटस देखने को मिल रहा है, तो ये अपने आप ही सीट बुक की जाएंगी। तो इस तरह से आप अपना वेब रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।